हेलो गाइस, व्यूअर, सब्सक्राइबर, जो भी बोलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज कैट डिजाइन मास्टर। सो लास्ट वीडियो में हम बताए थे मैं बताया था आपको कि सिमुलेशन एनालिसिस किस तरह से काम करता है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर किया था कि इवोल्यूट फंक्शन में आपको जो DMFFX जो एनालिसिस होता है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, हिंदी में एकदम अच्छे से कंप्लीट मैं ट्यूटोरियल उसके बनाया हूँ, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना, वे देख, ये यूट्यूब चैनल है डिस्कैट डिजाइन मास्टर। यहाँ पे देखो, मैं सिमुलेशन एक्सप्रेस एनालिसिस के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल किया हूँ। DMFM एक्सप्रेस एनालिसिस, दैट इज डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर ट्यूटोरियल क्रिएट किया हो। ठीक है, अभी न्यू है तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह की नॉलेज को गेन करने के लिए, सॉलिड वर्क के और अदर कैट डिजाइन सॉफ्टवेयर और ऑल्सो द कोर इंजीनियरिंग ऑफ द मैकेनिकल डिजाइन। तो ये चैनल तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ फ्लो एक्सप्रेस एनालिसिस विद। ओके, तो जैसे कि कोई बॉडी है, जैसे ये पाइप मैं एक एग्जांपल के लिए बनाया हूँ, तो ठीक है ये आप भी बना सकते हो। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप से पहले की वीडियो में मैं आपको बताया था कि वेल्ड में जाके आप पाइप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिर से आपको क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर किस तरह से फ्लो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो मैं बोल रहा था कि फ्लो एनालिसिस किस तरह से करते हैं, ये डिज़ाइन पहले सबसे पहले क्रिएट करेंगे। अभी फ्लो एनालिसिस का काम क्यों होता है, अभी कोई भी बॉडी है जैसे कि कोई पाइपलाइन है, यानी कोई भी इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर गैसेज, जो भी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल पार्ट होता है तो उसके अंदर से फ्लूड और लिक्विड जो भी पास होता है, यानी कि फ्लूड बोल सकते हो वो पास होता है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, यानी कि जो वॉल्स ऑफ द पाइप है वो उसको सह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर हमको अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तब भी हम क्या करते हैं, फ्लो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड वर्क ने एक छोटा सा टूल दिया हुआ है, दैट इज फ्लो एक्सप्रेस एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एयर और वाटर दोनों में से किसी एक को फ्लो करके देखते हैं और बताते हैं कि इधर पे वेलोसिटी कितनी है, और मतलब अलग अलग पार्ट पे कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, यानी कि वहाँ पे हम फ्लो को एनालाइज करते हैं। अगर हमको फ्लो रेट भी कैलकुलेट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ये बॉडी को रहने देता हूँ, अभी न्यू बॉडी न्यू पार्ट बनाता हूँ, तो कंट्रोल एन क्रिएट करेंगे तो न्यू पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो सेम स्क्रीन आपको दिखाई देंगी, तो पार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे ओके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पहली बात तो एक पार्ट पाइप बनाना है, तो एग्जांपल के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली पार्ट पाइप क्रिएट करूंगा कहाँ से, वेल्डमेंट से। तो वेल्डमेंट के ट्यूटोरियल में भी मैं आपको एकदम अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, तो वेल्डमेंट के ट्यूटोरियल अगर आपने देखे नहीं है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वेल्डमेंट ट्यूटोरियल देख सकते हो, कहाँ गया यार। देखो यहाँ पे सॉलिड वर्क वेल्डमेंट्स, इसको एकदम अच्छे से मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरी पार्ट। तो यहाँ पे पहला ही ट्यूटोरियल आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर का है, तो अभी इस ट्यूटोरियल में उसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने न्यू पार्ट बनाया और उसके बाद में एक स्केच क्रिएट करेंगे पाइप। सबसे पहले हम तो क्या बना रहे हैं, पाइप बना रहे हैं किसके लिए, जो फ्लो है, जो फ्लूड रहने वाला है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। बॉडी यानी कि क्या चाहिए, क्लोज पाइप चाहिए या फिर एक क्लोज क्लोज बॉडी चाहिए। तो यहाँ पर हम लेट्स स्टार्ट, फ्रंट से प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच क्रिएट करेंगे, एक लाइन क्रिएट करता हूँ मैं, मेजर नहीं किया मैंने, अंदाजी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, मैं यहाँ से स्केप कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक अच्छे से हम बनाएंगे अभी यहाँ पर से कुछ इस तरह से, देखो रफली मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। और आई थिंक सो यू आर वेल नोन के मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, तो चैनल का नाम है उसी को मैं एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक तुमको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट एक बेसिक स्केच बनाया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, अभी डायमेंशन तो मैं कुछ दिया नहीं हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से डीप डी दिखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि कोई कैसा भी डिज़ाइन रहने के, तो उसके अंदर को खाली क्या करना है, एनालाइज करना है। तो इसको मैं बोलूँगा ओके, और वेल्डमेंट में जाके यहाँ पे एक मिनट पहले एग्जिट करना पड़ेगा कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा वेल्डमेंट में, वेल्डमेंट में एक अपने पास में फीचर होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करो और वो बोलेगा कि स्केच सिलेक्ट करो पहली बात तो। ठीक है, मैं स्केच सिलेक्ट किया तो
तो ये पूरा स्केच सिलेक्ट हो गया। अभी हमको कौन सा लेने का, स्टैंडर्ड पहली बात तो ISO, ठीक है, इंटर स्टैंडर्ड, और यहाँ पे टाइप कौन सा लेंगे, हम पाइप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप आप देख सकते हैं, एंगल आयरन, चैनल, पाइप, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं पाइप ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो उसकी साइज दे रहा हूँ वो है 33.7, और इसको मैं बोल रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसा एक प्रीव्यू दे रहा है हमारे को। तो यहाँ पे हमारा एक स्केच और एक कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो चुकी है। तो अभी जब भी हम फ्लो एनालिसिस करते हैं ना, तो सबसे पहले एक ध्यान चीज़ ध्यान में रखने का, जो बॉडी है ना कम्प्लीटली क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एंड है और यहाँ पे एक एंड है, ये क्या है, ओपन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी कैसे भी क्लोज करो, ठीक है। यहाँ पे हम सरफेस में जाके फील सरफेस भी कर सकते हैं, या फिर मैं जस्ट क्या करूँगा, फीचर में जाके एक रूट बॉक्स करूँगा, ठीक है। तो सिलेक्ट दिस फेस एंड क्लिक ऑन स्केच एंड गो टू द कन्वर्ट एंटिटीज, इट विल ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू इट्स फेस, ओके। गो टू फीचर एंड एक्सट्रूड बॉक्स, सिलेक्ट द एक्सट्रूड बॉक्स एंड एक्सट्रूड अप टू, इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ, आई एम टेकिंग ओनली 2 mm, बिकॉज मेरे को क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ एक क्लोज सर्फेस क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हो, ये पहले पाइप था, अब यहाँ पे एक न्यू एक्सट्रूड सर्फेस, यानी कि क्लोज सर्फेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम मैं करूँगा, यहाँ पे भी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे स्केच करूँगा, यहाँ पे कन्वर्ट एडिटिस एंड गो टू फीचर एंड एक्सट्रूड बॉस एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, ओके। तो यहाँ पे बॉडी जो है, एक बॉडी हो गई है क्लोज बॉडी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मेन बॉडी है ना, यहाँ पे जो पाइप जो है हमारा, इनकी जिसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हमको फ्लूड को फ्लो करना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा ये था जो कि मैंने वेल्डमेंट से क्रिएट किया था, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेन ट्रांसपेरेंसी, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमको आर पार उसका दिख रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। यानी कि जो एजेस है या फिर सर्फेस है वही हमको दिख रहे हैं, यानी कि अंदर का हमको ईजिली दिखे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, आगे जाके ये जो सर्फेस है ना एंड पार, यहाँ पे एक्सट्रूड का, क्योंकि इसको सिलेक्ट करना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो अंदर क्या वेलोसिटी है वो भी देखना है, तो उसके लिए भी हम इसके ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारी बॉडी बन चुकी है, अभी हमको मेन पार्ट पे जाना है। तो जस्ट इवोल्यूट पे क्लिक करेंगे, इवोल्यूट टूल के ऊपर, यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा, फीचर मिलेगा, इट इस फ्लो एक्सप्रेस एनालिसिस रिजल्ट, यहाँ पे भी मिल सकता है। और यहाँ पे एक टूल ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे आप टूल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सप्रेस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर है DFM एक्सप्रेस, सिमुलेशन एक्सप्रेस और फ्लो एक्सप्रेस। तो ये DFM एक्सप्रेस और सिमुलेशन एक्सप्रेस, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका प्रीवियस ट्यूटोरियल में, अभी ये दो बचा था, एक फ्लो एक्सप्रेस और एक ड्राइव वर्क एक्सप्रेस, इसको मैं बाद में बताऊंगा अगले ट्यूटोरियल में। तो कनेक्ट रहना, ज्वाइन रहना, उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे फ्लो एक्सप्रेस पे क्लिक करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे, यहाँ पे करो, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो फ्लो एक्सप्रेस पे इस पर क्लिक करो, फिर हाँ, सबसे पहले एक चीज़ बोलना भूल गया कि जो जिसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे ना, तो सबसे पहले उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। बगैर सेव के ये जो एनालिसिस होगा ही नहीं। तो जस्ट कंट्रोल एस एंड मेक दी फ्लो एनालिसिस स्टडी टू, ओके, एक क्लिक किया और इसको एंटर दबा दिया, ठीक है। और जस्ट अभी फ्लो एनालिसिस विजार्ड पे क्लिक किया, और उसके बाद में क्या किया, सबसे पहले आपको ये मैसेज दिखेगा, ठीक है, ये येलो कलर में एक मैसेज दिखेगा। तो यहाँ पे इसको डरने की जरूरत नहीं, वही यही चीज़ बता रहा है कि जो आपकी बॉडी है वो एक क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से यहाँ पे लीड्स लगे होना चाहिए, यानी कि जो दोनों जो पार्ट है ना, ये क्या है, वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमको बताएगा, इसके ऊपर एक है व्यू फ्लूड वॉल्यूम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि जो पाइप है, यानी कि जो हमारी बॉडी है, वहाँ पे से फ्लूड कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से जा रहा है ये, यहाँ पे फ्लूड है। तो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमको फ्लूड पूछेगा कौन सा फ्लूड लेना है। तो एक है वाटर, एक है एयर, ठीक है। तो जैसे कि मैं वाटर ले रहा हूँ, तो इसको एयर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, तो वाटर ले, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि इनलेट पूछ रहा है कि इनलेट कहाँ से चाहिए, जैसे कि मेरे को इनलेट यहाँ पर चाहिए और आउटलेट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इनलेट जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम फ्लो रेट है और मास फ्लो रेट है, कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे मैं प्रेशर ले रहा हूँ, तो जैसे इनलेट सर्फ, अभी यहाँ पर है इनलेट सर्फेस, यानी कि कौन सी बॉडी से हमको, किस सर्फेस से हमको इनलेट लेना है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ये एक्सट्रूड जो बनाया था ना, यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट से दिए, इसको मेन बॉडी को, पाइप को, तो इसीलिए लिए थे। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ये फेस, यानी कि है इनलेट फेस। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रेशर देंगे, जैसे 1 lakh pascal, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 3 lakh pascal दे देता हूँ, 1000 lakh, ओके, 10000, ओके। और जो टेम्परेचर लेने का, जैसे कि मैं लेता हूँ 1000 kelvin लेता हूँ इनलेट पे, और इसको बोलता हूँ ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे प्रेशर, अभी नेक्स्ट, यहाँ पे भी प्रेशर और वॉल्यूम फ्लो रेट, अपने को क्या लेना है, प्रेशर लेना है और नेक्स्ट
फ्रेज सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये फ्रेज सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे भी चेंज करना तो कर सकते हो, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर में एक बटन देगा, यहाँ पे आपको बोलेगा कि सॉल्व करो, तो ये अभी सॉल्व होते रहेंगे वेटर, ठीक है। ये ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉलिड वर्क उसको पूरा एनालाइज कर रहा है, जितने भी मैचिंग वगैरह है उसको क्रिएट कर रहा है और अपने को फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है और हार्डवेयर जो भी तुम्हारे लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का जो भी है। मैं तो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जितना अच्छा लैपटॉप होगा जितना अच्छा हार्डवेयर होगा उतना अच्छा, जाहिर सी बात है, ठीक है। थोड़ा रुकना, वेट करना, ओके। यहाँ से हम पॉज भी कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो सॉल्व कर रहा है वो, प्रोग्रेस में ही है। जब तक कि हम क्या करते हैं, हमारा चैनल देख लेते हैं, आपने देखा नहीं है तो यहाँ पे जाके जस्ट सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, अभी मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं न्यू ट्यूटोरियल भी क्रिएट करूँगा। अगर इसका स्ट्रीमिंग चाहिए सॉलिड वर्क का तो आप बता दो, मैंने एक वीडियो डाला था लेकिन उसको कैंसिल डिलीट कर दिया। मैं आपसे पूछा था वहाँ पे कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए और यहाँ पे एक डिस्कशन में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि मैं सॉलिड वर्क 2020 का लाइव स्ट्रीमिंग कर रखना चाहता हूँ, किस किस को इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो तो मैं लाइव आऊँ और कमेंट कर दो, या इस कमेंट के यानी कि अगर चाहते हो तो ठीक है कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह उसको अरेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, अभी हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि इतने जनरली इतना काम टाइम नहीं लेता, लेकिन हमारी बॉडी का एकदम कॉम्प्लेक्स है ना, मैं इस हिसाब से बनाया था। एक बॉडी का प्रीव्यू देखेंगे ना तो मैं अपने चैनल का नाम ही उसके हिसाब से रखा हूँ, यानी सी सी दिख रहा है, सी यहाँ से डी बन रहा है और यहाँ से एम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी बॉडी ले सकते हैं, एकदम लीनियर बॉडी आपको लेना है तो उसके अंदर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में नहीं जम रहा तो आप बोल सकते हो, इफ़ यू डोंट प्रीफर द हिंदी यू कैन ऑल्सो कॉल मी, आई विल डेफिनेटली मेक द ट्यूटोरियल इन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, नो प्रॉब्लम, देर इज नो इशू टू मी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पाँच फॉलो कर रहे हैं किस तरह से जा रहा है, तो जो मेन यहाँ से है ना, जो फ्लूट जा रहा है यहाँ से इनलेट से जा रहा है और इस तरह से पाथ फॉलो करते करते यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे बेंड है ना वहाँ पे उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे आपको एक क्या बोलेंगे बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आप बताएंगे कि वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड में, मैक्स टू मैक्स वेलोसिटी कितनी है, 13.249 है। और यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे जहाँ क्योंकि यहाँ पे मैक्स की वजह के लिए यहाँ पे स्लोप आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते, यहाँ पे क्या है, ये जो है ना क्या बोलते हैं, जो एडी इफेक्ट बोलते हैं ना, इसमें करंट में भी होता है और फ्लूड में भी होता है। अगर फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि एडी फ्लूड क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो क्या है जैसे इंजन में होता है उसी तरह से यहाँ पे भी एक इफेक्ट क्रिएट हुआ, यानी कि बॉडी जो है जो फ्लूड है वहीं पे घूमते रहेंगे, ठीक है। मैं जितने आसान लैंग्वेज में होने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी प्लॉट, यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या, यहाँ पे जो पाथ है वो क्रिएट करके देगा। जैसे इनलेट है, इनलेट पे तो आपको पता है किस तरह से जा रहा है, ठीक है, दिख रहे हैं एनालिसिस किस तरह से हो रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पे आके मिल रहा है। और यहाँ पे अपने को अगर प्रेशर क्रिएट बताना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास के डिस्प्ले एनोटेशन, डिस्प्ले एनोटेशन क्या बताता है कि ये जो इनलेट प्रेशर है वो क्या है आपका 3 लाख पास्कल और यहाँ पे जो आउटलेट प्रेशर है वो है 1,00,325 पास्कल, ठीक है। ये प्रेशर है इनलेट और आउटलेट का, ये बस इसका काम होता है एनोटेट करना, यानी एनोटेशन का काम होता है बस। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो, अभी अगर मैंने इसको प्ले कर दिया ना, एनिमेट कर दिया, तो दूसरे ऑप्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जस्ट यहाँ पे स्टॉप कर दो और यहाँ पे जितने भी अदर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर है इनलेट का आपने देखे और आउटलेट, आउटलेट में जैसे कि यहाँ पे क्या आउटलेट हो रहा है और यहाँ पे जो है ना ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि ये दिख रहा है यहाँ पे, तो 0, 1 से लेके 40 तक के यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री होते हैं, यानी कि 1 लाइन से लेके 40 लाइन तक के हम उसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। 8 सेकेंड, और टाइम कर दिया यार, इतना टाइम पास नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं नया लैपटॉप लेकर आया, ठीक है। देखो यहाँ पे पता भी रहा है कि सॉलिड वर्क क्या है, अभी बिजी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या किया, मैक्स ट्रेजेक्ट्री ना 40 करके रखा हूँ, इसीलिए यहाँ पे इसको इतना टाइम लग रहा है, जितना कम रहेगा उतना कम टाइम। जैसे कि अब मेश में पड़ेंगे, मोल्ड टूल्स में, शीट मेटल में, जितना ज़्यादा मेश कम इनके क्या बोल सकते हैं कोर, जितना ज़्यादा कोर ये होगा उतना ज़्यादा उसको टाइम लग जाएगा, उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज़ करेगा,
मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि स्टॉप करना चाहिए, मतलब कि नो प्रॉब्लम, ठीक है कर लिया उसने, तो यहाँ पे मीडियम पे रख दिया। यहाँ पे मिनिमम करूँगा तो सिर्फ एक ही पाथ फॉलो करेंगे, और यहाँ पे 40 करूँगा तो मैक्स करूँगा। अभी मीडियम पे ही रख रहा हूँ मैं, 21 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में ये तो अभी जैसे कि आप दिख रहे कि ये क्या है, पाइप जैसे दिख रहे, ठीक है ये जो अंदर ग्रीन कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में जो भी है वो पाइप जैसे दिख रहे। अगर हम इनको बॉल्स के शेप में, यानी कि जैसे कि एटम जो फ्लो करते हैं उस जैसा इनिमेट करना है, तो जैसे एक ये है बॉल्स को, ठीक है यहाँ पे मैं इसको मैक्स कर देता हूँ, दैट इज 50 कर देता, सॉरी मैं 40 बोला था, वो एक्चुअली 50 है। तो यहाँ पे मैक्स कर दिया ना, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, सिमुलेट कर एनिमेट कर दूंगा। एनिमेट करने के बाद में आप देख सकते हो कितना भारी प्रीव्यू दिया दे रहा है हमारे को। अभी कोई भी जैसे प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट है, हम वहाँ पे हमको क्या बताना है कि कोई फ्लूड है वो कैसा पाथ फॉलो करता है, या फिर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, तो वो उसके लिए हम ये सब फ्लो सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं। तो उसका रियल नाम जो है फ्लो एक्सप्रेस एनालिसिस विजार्ड है, ठीक है नो प्रॉब्लम। इसको अभी मैं क्या करूँगा, स्टॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि प्रीव्यू कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है यहाँ पे मैं और जूम करता हूँ, ठीक है ये देख रहे हैं आपको एक बॉल शेप दिख रहे हैं, आप इसको एटम बोल सकते हैं, ठीक है अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो। यहाँ पे कोई भी बॉडी ले सकते हो आप। उसके बाद में एक चीज बची है, एक मिनट ये एनोटेट किधर गया यार, ठीक है अब एक चीज बची है जर्नेट पाथ, ठीक है ये क्या करेगा, ये सॉरी रिपोर्ट, ये क्या करेगा पूरे इसकी रिपोर्ट क्रिएट करके देगा। यानी कि हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे डब्बे में क्या बताया बॉक्स में, कि वेलोसिटी जीरो पे, यानी कि जहाँ पे ग्रीन ये ब्लू है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे क्या है ब्लू है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे रेड है तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 13.249 मीटर पर सेकेंड है, और जहाँ पे जैसे कि ग्रीन है तो ग्रीन पे 7.9 है, ऐसा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अगर रिपोर्ट क्रिएट करके देना है, यानी कि सामने वाले को बताना है, यानी कि अपने को लिख के देखना है कि बोलना है कि ये सब हो रहा है इसके अंदर, तो जस्ट क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये एक रिपोर्ट क्रिएट करेगा कहाँ पे, एक वर्ड फाइल में। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गए तो देखो यहाँ पे कुछ से वो रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो सॉलिड वर्क एक्सप्रेस उसका नाम बताएगा, यहाँ पे बताएगा कि ये इसका यूज़ होता है, जो मैं बताया था अभी मॉडल, जैसे मैंने नाम रखा था फ्लो टू जो सॉलिड पार्ट का, तो उसका नाम रख दिया मॉडल नेम। और यहाँ पे फ्लूड कौन सा यूज़ किए थे हमने, वाटर, यहाँ पे इनलेट, इनलेट टाइप कौन सा है जो इन्वायरमेंटल प्रेशर पर रखे थे, और इसका जो फेसेस था कौन सा फेस यूज किए थे, फेस X2:1 बराबर, और वैल्यू जो कितनी थी इनलेट पे जो प्रेशर थी वो डेट इज 2 लाख PS PA, और यहाँ पे टेम्परेचर जैसे कि मैंने बताया था, फिर आउटलेट भी जैसे आप देख सकते हो। फिर रिजल्ट क्या मिला हमारे को, जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मिली 13.40, यहाँ पे हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे 13.249, वेट अ सेकेंड 13.306, 13.306, अच्छा तो ये जो है ना ये इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे, क्योंकि मैं दो जनरेट किया था ना इसलिए दो क्रिएट करा है, एक मैं जो आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था वो है और एक ये है, ठीक है। तो ये हो गया, जस्ट इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे क्लिक ऑन ओके करेंगे, बस हमारा हो गया सिमुलेशन। अभी जब हम फिर से अगर फ्लो एक्सप्रेस एनालिसिस विजार्ड पे क्लिक करेंगे ना तो हमको इतना झंझट करने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है फिर से वो सिलेक्ट करो, प्रेशर डिफाइन करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे वो रिजल्ट देंगे। यहाँ पे सॉल्व ऑप्शन पे जाएंगे और बस उसके ऊपर, यानी कि जो ग्रीन बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और खुद से वो क्या करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा समझ में आएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एक मिनट देखो अभी भी ये टाइम ले रहा है, ठीक है क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशन चालू है ना, पीछे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब डाउनलोड वगैरह पे भी रखा हूँ मैंने, ठीक है बैकग्राउंड में चालू है। तो जस्ट मैं भी क्या करता हूँ, मैं आपको मेरा चैनल बता देता हूँ फिर से, नए हो तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर दो यार, भला कर दो हमारा, ठीक है नए हो तो वीडियो देख सकते हो, मैं भी तो इंग्लिश में बनाया हूँ लेकिन मेरे को लगता है हिंदी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। अभी देख सकते हैं सबके लिए अलग अलग है, बिगिनर्स के लिए, एडवांस के लिए, एसेंशियल के लिए, वॉल्यूम वगैरह सब जो जितने भी मेशिंग के, सॉलिड वर्क, सरफेस, शीट मेटल, मोल्ड टूल्स, मोल्ड डिजाइन, वेल्डमेंट, जितने भी सब मैं ट्यूटोरियल क्रिएट कर चुका हूँ। अभी और भी अच्छा आगे बनाऊंगा मैं, और भी एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल क्रिएट करूंगा। अभी आप बताओ मेरे को कि आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, अभी दो ही लैंग्वेज तो मेरे को अच्छी है, मराठी थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ लेकिन हिंदी और इंग्लिश में ही बताना कौन सी आपको प्रीफर है, ठीक है कमेंट कर देना मेरे को इसी इसमें, किसी भी इसमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक। अभी वो बैकग्राउंड में ये हो रहा था, ठीक है जस्ट क्लिक ऑन हो गए, आप तो समझ में आया क्या है, तो ये देख सकते हो फिर से प्रीव्यू देख सकते हो किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी 13.249, मिनिमम वेलोसिटी 0, आप देख सकते हो। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक एडी करंट जैसा इफेक्ट क्रिएट है, यानी कि जो फ्लो है वाटर का वो किस तरह से जा रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो
ट्रेजेक्ट्री है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ में, कॉलेज के किसी को काम है तो वो आप बता सकते हो, हिंदी में पहली बार हिंदी में किसी ने एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।